वतु सो भुनक्तु सहवीर्यङ्कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा शांति ही, शांति ही, शांति ही। वैदिक ब्रह्मचर्य गीत का हम स्वाध्याय कर रहे थे और दूसरे मंत्र में ये विशेष बात हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि दुनिया में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति है और उस शक्तिशाली व्यक्ति से जब किसी का मेल हो जाता है उससे मिलन हो जाता है उसका वो सखा हो जाता है मित्र हो जाता है तो पूरे क्षेत्र में या उससे जो संबंधित लोग होते हैं वे अपने आप उसके वश में आ जाते हैं संसार के लोग भी यदि किसी शक्तिशाली राजा से सम्राट से राष्ट्र अध्यक्ष से यदि थोड़ी सी भी जान पहचान होती तो लोग बोलते हैं आपकी तो जान पहचान ही हमारा काम करा दो है चाहे वो अपराधी हो चाहे बहुत सज्जन हो उसको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि भाई इसकी पहुंच तो ऊपर तक है और इस बात को आप समझिए कि जब कोई बात होती है तो लोग बोलते हैं ऊपर वाले से डरो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है कहने का आशय ऊपर से ऐसा नहीं कि वो सातवें आसमान में है या ऊपर ही है नीचे नहीं है ऊपर का तात्पर्य यह है कि वह सबसे ऊपर है सर्वोपरि है और उस सर्वोपरि सत्ता से उस परम पिता परमेश्वर से जिसका संबंध जुड़ गया है उसको दुनिया में कोई दुख नहीं दे सकता उसके लिए सब सुखमय हो जाते हैं उसके लिए सब अनुकूल हो जाते हैं कोई भी प्रतिकूल नहीं होता है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है वो परमानंद को प्राप्त करेगा ऐसा भाव यहां पर इस दूसरे मंत्र में बताया जा रहा है एक बार उच्चारण करेंगे दूसरे मंत्र का ओ ब्रह्मचारिण पितरो देवजना पृथक् देवा अनुसयती सर्वे गंधर्वा ये नमन्वयान त्रयस्त्रिशत्रिशता सहस्रा सर्वांस देवांस तपसा पिपरती ब्रह्मचारी जब इस संसार के भोगी लोग रोगी लोग भोग के लिए दौड़ते हैं तो विषयों की तरफ जब दौड़ते हुए कितना चाहते रहते हैं कि हमारे इस प्रयोजन के लिए संसार की सब अवस्थाएं अनुकूल हो जाएं, जिसका अर्थ यह होता है कि सब देवता दिव्य शक्तियां अनुकूल हो जाएं, पर वे कभी नहीं होती ऐसा लोग बोलते हैं ये हो जाए भगवान करे ये हो जाए हैं कहीं-कहीं इधर-उधर लोग भटकते रहते हैं जिस की स्तुति नहीं करनी होती उसकी भी स्तुति करते हैं जिससे कभी कोई मतलब नहीं रहता उसके पास भी जाकर के गिड़गिड़ाते हैं जहां जिसने कोई बात बता दी कर्म का जो मर्म है जो धर्म का मर्म है उसकी सत्यता को ना जान करके लोग बहुत ही शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्रयास करते हैं कि यह काम सिद्ध हो जाए एन केन प्रकार दाम दंड भेद से स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए लेकिन वो पूरी हो नहीं पाती लेकिन वस्तुतः जो ब्रह्मचारी है वो सदा शेर के जैसा अडिग रहता है और अपने कार्य को लक्ष्य में लेकर के सदा आगे बढ़ता रहता है कितनी भी समस्याएं कितनी भी मुसीबतें आए कभी ब्रह्म के विचार से ब्रह्म के जो उसने आत्मसात किया है ब्रह्मत्व को ब्रह्म का जो विचरण है वो कभी उससे अलग नहीं होता ब्रह्म में ही सदा स्थित रहता है ब्रह्म भाव में बना रहता है वो कभी इधर उधर भटकता नहीं है तो यही बात कह रहे हैं हम कभी भी निर्विघ्न रूप से भोग प्राप्त भोग नहीं प्राप्त कर सकते एक तरफ कुछ सुधारते हैं तो दूसरी तरफ कुछ बिगड़ जाता है यह संसार ऐसा ही है एक काम बना तो दूसरा बिगड़ा हुआ तैयार है दूसरा बनाया तो तीसरा बिगड़ा हुआ तैयार है यह संसार ऐसा चलता है जैसे एक कच्चा घर होता है या मरुस्थल होता है वहां टीले बनते रहते बिगड़ते रहते हैं यहाँ पर थोड़ी हवाई तो यहां पर बहुत बार टीला हो गया थोड़ी देर बाद वो हटकर दूसरी जगह चला गया जैसे हमारे योग ग्राम की एक नदी है दोनों तरफ बहती है उसका जब प्रवाह चलता है तो थोड़ी देर इधर फिर थोड़ी देर बाद उधर एक तरफ हुआ फिर दूसरी तरफ चल पड़ी ऐसा यह जीवन का प्रवाह है कि एक धारा में एक रस बह ही नहीं सकता जिनका जीवन संयमित नहीं होता है यदि शरीर ठीक है शरीर से स्वस्थ है तो मन से स्वस्थ नहीं मन बहुत अच्छा है तो शरीर से स्वस्थ नहीं मन तन और मन दोनों स्वस्थ हैं तो धन से स्वस्थ नहीं हा? एक ना एक समस्या बनी रहती है दात है तो चना नहीं और चने है तो दांत नहीं ये, ये संसार का व्यवहार चलता रहता है इसलिए जो ब्रह्म का आचरण करता है वही निसंदेह आगे बढ़ता है समस्याएं आएंगी उन समस्याओं से कभी व्यक्ति जब उलझता है तो आगे नहीं बढ़ पाता लेकिन जिसने वैदिक सिद्धांत को अपनाया है जिसने वैदिक वांगमय की जो उपदेश उपदेशमय का जो आदेश है उससे पृथक जब नहीं आचरण करता है तो लक्ष्य तक पहुंचता है ये वेद मंत्र हमको इतना उत्साह दे रहे हैं इस उत्साह से हम अपने जीवन को लबालब भर लें, जिससे एक क्षण के लिए भी हम हतोत्साहित ना हों। किसी कवि ने कहा वैदिक सिद्धांत को नितांत निर्भ्रांत माने ईश आस्था का और अंतर उजाला हो शुभ हो संकल्प सादा जीवन प्रकाश सत्य संयम सुशीलता के सांचे बीच ढाला हो पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को में पवित्र झंडा ओम का संभाला हो द्वेष हो क्लेश प्रेम प्रीति हो विशेष फिर क्यों ना हो ब्रह्मचर्य का पालन जब हमारे राष्ट्र में विशेष रूप से होता था तो हमारा राष्ट्र विश्वगुरु था और आज वह परंपरा परम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में यह पावनी परंपरा यहां चल पड़ी है राष्ट्र फिर से जगेगा और यहां का अंधकार भगेगा ऐसे ही कामना से यह वेदों का स्वाध्याय हम रोज कर रहे हैं और हमको उत्साह भी मिल रहा है हमारी एक एक कोशिका में ऊर्जा का संचार हो रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है कर्तव्य पर अडिग रहे कर्तव्य कभी हमको नीचे नहीं गिराता जो कर्तव्य में अडिग रहता उसको कर्तव्य धीरे धीरे ऊपर ही उठाता है तो रहे कर्तव्य क्षेत्र से कभी न पग पीछे धरे चाहे कि तना भी घोर संकट का साला हो नदी हो या नाला तो तेग तीर भाला धूप सर्दी या पाला सिंह हो या व्याल काला हो बच्चा बच्चा निजी देश जाति के उधार के ही धुन में लगन में मगन मत वाला हो मुख से जो कहे उसे कर के दिखा दे फिर क्यों जनों का दुनिया में बोल बाला हो कृणवंतो विश्वम आर्यम उस जो परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं उस परंपरा में ब्रह्मचर्य को सबसे ऊंचे रखा है हमारे विचार में हमारे व्यवहार में वो चीज आए तो इस संसार का सारा वैभव हमारे लिए है। तो यही बात इस प्रकार हम संसार में रह करके दुनिया में हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे एक तरफ कुछ सुधारते कुछ बिगाड़ते हैं वो स्थिति अब ब्रह्मचर्य से असंयम से उत्पन्न होती है हमारा अविवेक हमारी अज्ञानता हमारा अभाव हमारा अविश्वास ऐसे जैसे पेंडुलम कभी इधर कभी उधर कभी उधर ऐसे चलता रहता है इस प्रकार हम अशांति में ही बिता देते हैं पूरा जीवन पर दूसरी तरफ जिसमें उस ब्रह्म को उस महान देव वह ज्ञान रूप सत्य रूप को पा लेने की सच्ची लगन लग गई है उसके लिए ये देव अपने आप रास्ता साफ कर देते हैं सहायक हो जाते हैं हाथ बांध कर उसके अनुसार हो जाते हैं ब्रह्मचर्य का यह भारी प्रताप है मैं फिर दोहराता हूं कि जिसने उस परम देव की तरफ मुंह उठा लिया है उस ब्रह्म की चर्या का व्रत ले लिया है उसकी सहायता के लिए उसकी दिव्य शक्तियां उसके देव क्यों नहीं उठ खड़े होंगे मनुष्य जितना जितना ब्रह्मचारी होता जाता है जितना जितना ब्रह्म के नजदीक होता जाता है उतना उतना ही ये देवता अधिक मात्रा में उसके साथ आकर के जुड़ते हैं उतने उतने ही ये देव उसके अनुसार बनते जाते हैं और अंत में उसे उसके लिए अभिष्ट परम देव से मिला देते हैं ये शक्तियां अपने आप उसी का रक्षण उसी का संरक्षण करने लगती हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि आप यहां छोटी छोटी जो हमारी दिनचर्या है छोटी छोटी जो हमारे शरीर को सहन शक, शक्ति से जो है परिपूर्ण करती हैं, तप से परिपूर्ण करती हैं। छोटी सी आदत से यदि हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो वो छोटी सी आदत हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है और उससे हमारा स्वभाव बदल जाता है तो इस प्रकृति में जो भी लोग कहते हैं विकृति है विकृति नहीं है विकृति तो हमारे अंदर है हमारे अंदर की विकृति यदि ठीक है तो प्रकृति हमारे लिए अच्छी होगी भाई किसी को यदि ठंड ज्यादा लगती है तो उसके शारीरिक जो शारीरिक क्षमता है वो कम है हाँ हो सकता है उसको वात व्याधि हो तो अधिक ठंड लगेगी किसी को धूप ज्यादा लगती है तो किसी को धूप ज्यादा नहीं लगती है एक ही चीज में किसी को अच्छा लग सकता है किसी को बुरा लग सकता है वो हमारे अंदर कमी है रसगुल्ला तो सबको अच्छा लगता है लगता है कि नहीं लेकिन यदि किसी को बुखार आ रहा है और उसको आप रसगुल्ले खिलाओ उसको अच्छा लगेगा क्या तो विकृति उसके अंदर है कि रसगुल्ले के अंदर है ऐसे ही इस संसार में जो चीजें हैं जो चीजें हमारे अंदर विकार उत्पन्न करती हैं उनको तो हम ना ग्रहण करें जो हमारे अंदर संस्कार हमारे अंदर सुविचार उत्पन्न करते हैं उनको ग्रहण करें संसार में चाहे आ, सजीव हो चाहे निर्जीव हो सदुपयोग यदि हम उसका करेंगे तो हमारे लिए हितकारी होगा और यदि उसका दुरुपयोग करेंगे उसका विवेक पूर्वक प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगी होगी कि नहीं होगी इसलिए विवेक पूर्वक हम अपने जीवन को बिताए एक कवि ने पुष्प मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हुए आप में से लोग नाम जानते होंगे बहुत बचपन में एक कविता उनकी पढ़ी थी एक पुष्प मैंने उसको कुछ सीखते हैं उससे हम मैं सुमन हूं मैं सुमन हूं अर्थात एक पुष्प कह रहा है कि मेरी स्थिति क्या है मेरी स्थिति क्या है वही बात यहां पर मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूं मैं सुमन हूं व्योम के नीचे खुला आवास मेरा ग्रीष्म वर्षा सीत का अभ्यास मेरा इसको अपने ब्रह्मचर्य से जोड़ लीजिए मैं ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए इस कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करें व्योम के नीचे खुला आवास मेरा ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा झेलता हूं मार मारुत की निरंतर जैसे अभी यहां पर आया कि एक इधर ठीक करते हैं तो इधर गड़बड़ हो जाता है इधर गड़बड़ हो जाए तो इधर ठीक हो जाता है जैसे रेत के टीले लगते हैं कहीं हटते हैं कहीं लगते हैं ऐसे ही जब हवा चलती है तो पुष्प इधर से इधर चला जाता है इधर से हवा चलती इधर आता है कभी उसकी पंखुड़ी टूटती है कभी कुछ कभी कुछ ऐसा होता है तो झेलता हूं मार मारूत की निरंतर थपाड़े लगते रहते हैं वायु के थपाड़े लगते रहते हैं तो झेलता हूं मार मारुत की निरंतर फिर भी खेलता हूं जिंदगी का खेल हंसकर मैं कभी मुरझाता नहीं हूं मैं कभी सुस्त नहीं पड़ता ठीक है ये संसार में बहुत परेशानी होगी बहुत कष्ट आएंगे लेकिन जो ब्रह्मचारी है उन कष्टों को सहेगा ग्रीष्म शीत को सहेगा अनेक कष्टों को सहेगा मार को झेलेगा लेकिन कभी हताश निराश नहीं होगा पुष्प के समान उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है प्रसन्नचित रहता है और ये समझो यदि किसी ने ब्रह्मचारी हो करके और मुल अटका लिया तो समझो मामला गड़बड़ तो ब्रह्मचारी के मुख मंडल पर कभी हताशा निराशा नहीं आनी चाहिए हमेशा मुस्कुराते रहिए जैसे पुष्प कह रहा है कि झेलता हूं मार मारूद की निरंतर खेलता हूं यू जिंदगी का खेल हंसकर और आगे बात क्या कह रहा है राह पर बिछना की चढ़ना देवता पर मेरा कोई मान करे या अपमान करे ब्रह्मचारी को मान अपमान से थोड़ा सा अलग ही रहना चाहिए या छोटी सी बात कह दो मुझको ऐसा कह दिया कैसे कह, कह दिया मैं तो ऐसा नहीं हूं अब उसी को लेकर बैठ गए अगर छोटी छोटी बातों में कि मैं मुझको पूछा क्यों नहीं आचार्य मेरा नाम क्यों नहीं लिया उसका नाम ले लिया उसकी बड़ाई कर दी और मेरी बड़ाई क्यों नहीं की मुझको डांटा क्यों ये छोटी छोटी बातें हमको न्यून बनाती हैं तो ये पुष्प से हम सीखे राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर बात है मेरे लिए दोनों बराबर बात है मेरे लिए दोनों बराबर तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ा मैं बिहस उसके गले का हार बना जिसने मुझको अपनाने की कोशिश की है मुझको अपनाना चाहा मैं उसको बहुत ही प्रसन्नता के साथ उसके गले का हार बनना स्वीकार किया तो परमात्मा की ओर जो जाएगा इस संसार के लोग भी उसी की ओर आएंगे उसी की ओर आएंगे और ऐसी मित्रता होती है पुष्प कहता है रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है यदि किसी ने मुझको बड़े प्रेम से लगाव से अपने रूप के श्रृंगार में लगाया है यदि हार बनाया है या मस्तक पर सजाया है गजरा लगाया है या कोट पर लगाया है तो क्या कह रहा है रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है साथ शव का भी हमेशा ही दिया है अंतिम समय तक उसके शव के साथ भी मैं जाता हूं तो इस पुष्प की भांति हम परस्परता में जिए मित्रता में जिए और हम अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त बना करके जिए तो यही बात यहां पर मैं समझ पा रहा हूं कि हमको जहां से भी जो शिक्षा मिले सुशिक्षा मिले उसको ग्रहण करके अपने जीवन को तरासने का अपने इस आ, इतिहास को बनाने में जहां जहां जो जो चीज अच्छी लगे आप उसको अपने में में रखते अपने तरकस में रखते जाइए जाइए अपने ब्रह्मास्त्र भी है? भी रखिए रखिए सब कुछ रखिए जहां जिसकी आवश्यकता हो आप उसका प्रयोग करिए मैं फिर दोहराता हूं कि जिसने उस परम देव की तरफ मुंह उठा लिया है उस ब्रह्म की चर्या का व्रत लिया है उसकी सहायता के लिए सभी दिव्य शक्तियां आ ही जाती है क्यों नहीं आएंगी मनुष्य जितना जितना उसके जो है पास जाएगा उतना उतना वो भी पास आएगा उसे उसके लिए अभिष्ट परम देव से मिला देते हैं तो ये देवता कौन है क्योंकि वो देवताओं के विषय में चर्चा की थी तो देवता कौन है एक तो ये बात स्पष्ट हमको होनी चाहिए कि हम जिससे लाभान्वित होते हैं अथवा जिससे हमारा जीवन चलता है जिसके कारण ये सब कुछ होता है जो उपकार करते हैं वो देवता कहलाते हैं तो देवता दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं दो देने वाले वो क्या है देवता और जो लेने वाले हैं वो लेवता है <laughs> तो लेने वाले भी लेकर के देते हैं तो वो भी देवता हो गए <laughs> तो देवता दो प्रकार के हैं एक जड़ देवता होता है एक चेतन देवता होता है तो जड़ देवता जो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी और हमारे अंदर भी ये कार्य बराबर चल रहा है हमारे अंदर बड़ी भारी फैक्ट्री लगी हुई है हमको पता नहीं चलता कितने देवता अंदर काम कर रहे हैं हमारे अंदर देवता काम कर रहे हैं लेकिन हम कभी उनको समझते नहीं जानते नहीं एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करते वो सतत चलते हैं और एक देवता बाहर कार्य करते जिनको आप देखते हैं तो जो चेतन देवता है, वे माता-पिता के रूप में, गुरु आचार्य के रूप में अतिथि के रूप में जो हमारे कल्याण के लिए सतत लगे रहते हैं जिनके द्वारा ये जीवन हमको मिलता है वो जो है हमारे जीवित देवता है क्योंकि तो यदि माता पिता ना हो तो हमारा जीवन हो सकता है क्या नहीं हो सकता और जीवन होने के बाद भी कितने लोग हमको बढ़ाते हैं कितने लोग हमको पालते पोसते हैं कितने लोग हमको उन्नति प्रदान कराते हैं ये तो सब हमारे लिए क्या है देवता है गुरु हमारे लिए देवता है क्योंकि यदि गुरु ना हो तो हमको जान कहां से मिलेगा ये जो गुरु शिष्य परंपरा है जो ऋषियों की परंपरा है ये बहुत उदात भावना है तो अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते देवता तो बना लिया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और अनेक अनेक स्थानों पर लेकिन जो जीवित देवता है उनकी अवहेलना करते हैं उनका निरादर करते हैं उनका सम्मान नहीं करते तो माता पिता गुरु आचार्य ये हमारे जीवित देवता है इनका यथा योग्य सत्कार करना ही पूजा है देवताओं की पूजा क्या है यथा योग्य सत्कार करना अब जो किसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता उसको हम उस वस्तु को दे रहे हैं भेंट और जो उसको ग्रहण कर सकता है उसको नहीं दे रहे हैं तो ये विवेक पूर्वक कार्य है कि अविवेक पूर्वक है तो यथा योग्य व्यवहार हो ना यथा योग्य भूखे को भोजन प्यासे को पानी नंगे को वस्त्र निर्धन को धन अज्ञानी को जान ये हम प्रदान करें जैसा जैसा हमारे अंदर सामर्थ है और जैसी जैसी उन देवताओं की आवश्यकता है भूखे बैठे हुए हैं और आप उनको बहुत जो है महंगे महंगे कपड़े पहनाओ कि कपड़ा पहनो भूखे हैं प्यासे हैं तो भूख प्यास में भोजन और पानी देना चाहिए और उनको हम अनेक प्रकार से वस्तुओं को दे रहे हैं तो उनसे उनका उपकार नहीं होगा अब वो भूखे भी नहीं है लेकिन उनको कोई रोग सता रहा है तो रोगी है तो उसको अच्छे अच्छे आप व्यंजन दो और उसका इलाज मत कराओ तो यह भी अविवेक पूर्वक कार्य कि नहीं तो औषधि से हर प्रकार से कुल मिलाकर के बात यह है कि जो जीवित देवता है उनकी हम सेवा सुशूषा करें जो देवता है जीवित उनको अपनी सेवा से अपने अभिवादन से अपनी विराशीलता से उनको तृप्त करें भोजन पानी अन्न वस्त्र औषधि आदि से उनको कभी भी हम वंचित ना करें ये विशेष है और जो जड़ देवता है जड़ देवता की कैसे सेवा करें तो जड़ देवताओं के विषय में भी ये बात आती है कि जड़ जैसे ये पंच महाभूत है ये भी क्या है देवता है देवता क्यों जल देवता है वायु देवता है अग्नि देवता है यदि अग्नि ना हो जल ना हो वायु ना हो तो हमारा जीवन चलेगा क्या नहीं चलेगा यदि पृथ्वी ना हो आकाश ना हो तो जीवन चलेगा क्या नहीं चलेगा इसलिए इन देवताओं का ठीक ठीक स्वरूप समझ करके इनके अनुकूल अर्थात हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे असंतुलन बढ़े अश्रद्धा बढ़े अविश्वास बढ़े अज्ञान बढ़े हम सदा ऐसे कार्य करते रहे जिससे इनका विपरीत अर्थात ज्ञान बढ़े श्रद्धा बढ़े विवेक बढ़े विश्वास बढ़े वो कब आएगा जब हम ब्रह्मचारी पूर्वक इस जीवन को जिएंगे। तो कह रहे हैं कि ये देवता कौन कौन से हैं, कहां और कितने हैं तो कह रहे वेद बेशक कहता है कि पितर देव जन ब्रह्मचारी के पीछे चलते हैं सब देव जुदा जुदा ब्रह्मचारी के अनुयायी होते हैं जुदा जुदा मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न पृथक देवा आया ना पृथक देवा तो अलग अलग गंधर्व इसका अनुसरण करते हैं ये तीन तीस तीन सौ छह हजार देव हैं जिन्हें ब्रह्मचारी अपनी तपस्या से संतुष्ट करता है पर ये पितर और गंधर्व आदि देव कहाँ हैं तो ये कह रहे हैं हमारे अंदर ही है जैसे हमारे अंदर का जो देवत्व है वो जब ये कार्य नहीं करेंगे तो देवत्व नहीं आ सकता भाई अंदर हृदय काम कर रहा है हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो आप उठ करके चल सकते हो क्या आप किसी कोई वस्तु दे सकते हो क्या आप बोल सकते हो क्या तो ये जो धमनियां है हमारे जो रक्तवाहिया है ये सब देवता के कार्य के रूप में है इसकी चर्चा हम आगे और विस्तृत रूप से करेंगे अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः